हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे साथ है, मेरा नाम निखर प्रधान है, मेरे साथ है रॉयस्टन, और आज हम दो जवान देखने जा रहे हैं शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड मूवी, जिसका हम सभी को इंतज़ार था, जवान। फर्स्ट डे इवनिंग शो, फर्स्ट शो तो हम नहीं जा पाए क्योंकि हम बिज़ी थे। अभी हम आए थे यहाँ पे मॉल पे, हम मॉल में नहीं जा रहे हैं, आपने तो टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। हम जा रहे हैं वही हमारे बांद्रा के मॉबे के फेमस गेटी गैलेक्सी थिएटर में, सिंगल स्क्रीन थिएटर में। इवनिंग का शो, रिपोर्ट्स अभी तक काफ़ी अच्छी आई हैं, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाकी रॉयस्टन के क्या ख्याल है वो आपको रॉयस्टन बताएंगे। लास्ट टाइम जब हम गए थे मैं और निकल साथ में, तो हम करण जौहर की मूवी देखने गए थे, बट लास्ट टाइम हम गेटी गैलेक्सी वाले जो आपको बोल रहे थे वो मिस कर लिया। पर इस बार SRK की मूवी है, तो हमने आपको प्रॉमिस किया था देखने तो जाएंगे, लेकिन गेटी में ही स्पेसिफिकली देखने जाएंगे। तो हम लोग गए थे देखने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो गेटी में नहीं जा पाए थे उस टाइम कुछ वजह से। लेकिन शाहरुख खान की मूवी, जैसे रॉयस्टन ने कहा, ये तो भाई गेटी में देखनी बनती है, और जब जवान जैसी मूवी हो तब तो बिल्कुल ही देखनी बनती है। तो भाई जाएंगे बांद्रा में गेटी गैलेक्सी में, आपको सफ़र भी दिखाएंगे, अंदर का इतना नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वही कॉपीराइट का भी सीन हो जाता है, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग सब वीडियो में देख लो, जाके थिएटर में देखो। बट जो इन्वायरमेंट है वो हम मिस नहीं करेंगे, जो गेटी का जो हमने लास्ट में प्रॉमिस किया था वो वाला इन्वायरमेंट डेफिनेटली दिखाएंगे आपको, भले जो भी हो जाए, कॉपीराइट्स के इशू है जो भी हो जाए। हाँ वो तो है। खैर इधर ही ऊपर एक थिएटर भी है, IMAX स्क्रीन है वहाँ पे, उसमें भी लगी हुई है, लेकिन नहीं, हम लोगों को एक्सपीरियंस लेना है गेटी गैलेक्सी का, बांद्रा का, तो वही मैं हम लोग लेंगे, आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए। तो चलते हैं अब बांद्रा की और गेटी गैलेक्सी में। आज इत्तेफाक से मतलब बारिश भी हो रही है, जन्माष्टमी का भी दिन है, इतने दिन का सीज़न है, एड ऑन भी हो गया है, बारिश के मौसम और थिएटर में देखना है SRK की मूवी। बारिश का सीज़न तो है, लेकिन इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी, पूरी धूप 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 थी, लेकिन अब बारिश हो रही है सडनली, तो भाई ठीक है, अब बारिश में जाना पड़ेगा। छाता लकीली है, वो अच्छी बात है, थैंक गॉड मैं छाता लेके आया हूँ, तो हम बच गए आज, बिकने से तो बच ही गए। देखो भाई बारिश ही देख लो, इतनी सारी इतनी बारिश है, आपने तो देख ही लिया। अब हमको जाना है बांद्रा, लोकल ट्रेन पकड़ के बांद्रा स्टेशन जाएंगे, बांद्रा स्टेशन के पास में ये गेटी गैलेक्सी, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्द से जल्द हम लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, और मेरे ख्याल से कुछ तकरीबन हमें कुछ 40-50 मिनट लगेंगे यहाँ से बांद्रा पहुँचने के लिए। हाँ हम तुरंत आपको बता देंगे, स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। और जैसे कि शाहरुख खान जवान में कहते हैं, रेडी रेडी। देख लो भैया बारिश के नज़ारे भी देख लो, मेट्रो स्टेशन भी देख लो, इन्हीं में से कोई ऑटो वाले हमको स्टेशन लेके जाए, होपफुली, उम्मीद तो यही है। अब शाहरुख खान जितना अच्छा रेडी तो मैं नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, आपको क्लिप तो मैंने दिखा दिया है कि वो रेडी किस तरह से बोला गया है, तो आपकी खुशी के लिए आप शाहरुख खान को देख लीजिए भाई। अब शाहरुख खान जितना मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो ये बात है, यहाँ पर रिक्शा मिल गई है। हाँ ये बड़ी बात है, रिक्शा मिल गई थे, अब जगह पर रिक्शा मिल गई फाइनली। हाँ नहीं तो मूवी छूट जाएगी तो भैया बहुत दुख होगा ये मूवी तो। और मैंने जो मॉर्निंग शो के रशेस देखे हैं, मतलब मॉर्निंग शो का जो क्राउड का रिएक्शन देखा है, जो भी यूट्यूब पे छोटे मोटे क्लिप्स देखे हैं भाई, वो भी गेटी का ही देखा है मैंने, बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा। आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। मलाड स्टेशन की भीड़ देख लो भैया, ऊपर से इतनी तेज बारिश, इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी, धूप थी, एकदम से आज बारिश होने लगी, और इत्तेफाक से जन्माष्टमी भी है, तो अब मानो तो भैया चमत्कार कह सकते हो, नहीं तो साइंस भी कह सकते हो। बारिश हो तो क्या हुआ, देखो टिकट लेना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए टिकट ले रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन का ज़माना है। तो भैया जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़नी है, और मूवी देखने के पास, खैर मैं तो पास में रहता हूँ, बांद्रा के अंधेरी जाना है इन, मुझे तो गाइस विरार जाना है, इनको जाना है विरार। तो जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लो भैया एकदम लंका की दूसरी छोर पे है, यहाँ से दुनिया के एक कोने में है हमारा विरार। हाँ बट जो भी हो प्यारा है हमारा विरार, आमची मुंबई आमची विरार। लो भाई मुंबई वालों का प्रमोशन चालू हो गया, कोई बात नहीं कर लेने दो इनको मन की जल्दी जल्दी ट्रेन। हाँ चर्चगेट की फास्ट ट्रेन है ये पकड़ते हम, और डायरेक्ट यहाँ से मिलते सीधा बांद्रा, फिर हम आपको बता देते हमारे एक्सपीरियंस गेटी गैलेक्सी में। वैसे बारिश ने थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब तो कर दिया है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है भाई, ठीक है, कुछ मसाला मिर्च तो लगा रहता है लाइफ में, ठीक है कोई बात नहीं बने रहिए। तो जो लोग विरार का रेफरेंस नहीं समझे उनको मैं बताता हूँ, देखो जो वेस्टर्न लाइन है बॉम्बे में वो विरार से शुरू होती है और चर्च गेट तक जाती है। अब चर्च गेट तो आप जैसे जानते होंगे अपना मरीन ड्राइव हो गया, मतलब मेन जो साउथ बॉम्बे वाला एरिया है वो है, और विरार एकदम उल्टा,
प्यार तो जानने के लिए आपको तो एक सबसे फेमस एरिया है नालू सुपारा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं NSP। ये देखो भाई, इसके बाद ये आ गया हमारी लोकल। तो अभी शाम के वक्त है, रोज ही खाली है लोकल, तो अच्छी बात है, हम बैठ के जा सकते हैं। और ये उल्टे साइड में जा रही है ना, शाम को विरार साइड भीड़ जाती है और सुबह सुबह चर्च गेट साइड भीड़ जाती है। मुझे शाम की भीड़ इसमें हम रिटर्न आने वाले हैं, अब हमें दरवाजे पर लटक के जाना पड़ेगा। मैं तो अंधेरे में उतर जाऊंगा तो बच जाऊंगा। हमें तो जाना है विरार, तो हमें तो धक्के खा के जाना पड़ेगा। लेकिन जवान के लिए इतना तो चलता है यार, जवान तो बनता है। SRK की मूवी है वो, जवान। हाँ वो तो है, इसलिए मैं कहता हूँ शाहरुख खान की भाषा में, जवान की भाषा में, रेडी रेडी। अभी जो मुंबई के जो गुणगान गा रहे थे मुंबई वाले महाशय, इन्होंने कहा हम चर्च गेट की फास्ट ट्रेन पकड़ेंगे मलाड से। तो जो भूल गया गाइस, मुझसे गलती हो गई पहली बार। विरार से जाने वाला बंदा आज पहली बार चर्च गेट की जो गाड़ी पकड़ रहा था मैं, और गलती से मैं भूल गया कि मलाड में फास्ट गाड़ी रुकती ही नहीं है। हाँ, तो जो लोग मुंबई से नहीं है उनको बता दूँ कि भाई जो फास्ट ट्रेन है वो मलाड नहीं रुकती है, अंधेरी के बाद सीधे बैंड्रा रुकती है, तो बीच में मलाड आता है। और ये भूल गए कि भाई ये फास्ट ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी। तो मुंबई के गुणगान जरूर, गलती तो होती है, इंसान से होते गलती है, लेकिन बताना ज़रूरी है। मुंबई के गुणगान ज़रूर गाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जानते हैं मुंबई के बारे में। हम मुंबई में नहीं हो, मुंबई वाले ना होके भी इतना तो जानते हैं, हमने ही पकड़ा है। आ गई भैया, आ गई आ गई, खाली खाली लोकल है भैया, क्या बात है, अनोखा दृश्य। तो फाइनली भाई हम बैंड्रा स्टेशन पहुंच गए। गाइस मैंने फाइनली स्लो ट्रेन पकड़ के पहुंचा है बैंड्रा। हाँ, स्लो ट्रेन क्योंकि क्योंकि मलाड में फास्ट ट्रेन नहीं रुकती है, नहीं रुकती है। गाइस आपके साथ कभी ऐसा हुआ है लाइफ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप जल्दी जल्दी में निकले हो घर से और आप ये भूल गए हो कि फास्ट ट्रेन यहाँ पर रुकती ही नहीं है। मुंबई वाले, जो मुंबई वाले नहीं है वो चिल करो यार, एंजॉय करो। जवान का देखो आगे जो दिखाएंगे हम, वो देखो। अभी 25 मिनट बचे हैं मूवी को, तो टाइम तो ठीक ठाक है, इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि जो गेटी गैलेक्सी है वो बैंड्रा स्टेशन के पास में ही है। जो लोग मेरा चैनल पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता ही होगा, क्योंकि पठान का जो व्लॉग हमने बनाया था वो भी यहीं बनाया था, किसी का भाई किसी का जान का जो हमने बनाया था वो भी यहीं बनाया था। ये मेरा पहला व्लॉग है निकर के साथ यहाँ पर गेटी में। हाँ, गेटी में पहला। हाँ, इसके पहले लास्ट टाइम मैं निकर के साथ इन्फिनिटी मॉल आया था, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरे घर से तो काफ़ी दूर है, बट ठीक है यार, SRK की मूवी है, इतना तो बनता है, सेक्रीफाइस तो बनता है उसके लिए, सेक्रीफाइस तो बनता है। और अगर आपने मेरा पठान का ब्लॉग नहीं देखा है, या DDLJ का ब्लॉग नहीं देखा है, या किसी का भाई किसी का जान का ब्लॉग नहीं देखा, तो वो भी आके जरूर देखिए। मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में क्रेडिट्स में लिंक कर दूंगा। प्लीज डू क्लिक द आई बटन एंड डू वॉच द वीडियोस गाइस। हाँ, और ये भी पहले देख के जाओ, ऐसे नहीं 20 rupees तो तीसरा कहाँ से मिलेगा, तीसरा टेंशन नहीं है, ठीक है। 10-10 rupees शेयरिंग का ऑटो मिला है, तो 2 seats तो हो गई, बची तीसरी सीट, किसी का वेट करना पड़ेगा, होपफुली जल्दी आ जाए तो हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये रिक्शा तो हमें एटलीस्ट कैंडल मिल जाए, शेयरिंग वाली ऑटो तो मिल गई है। हाँ, आज जन्माष्टमी है, आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है। और जैसे कि ऑटो वाले भैया ने कहा कि वो लेट नहीं कराएंगे हमको, तो हम ये उसने एश्योरेंस दिया हमें। तो बने रहिए भैया, बारिश बहुत हो रही है, मैं यही बात है दोस्तों, हेल्पिंग नेचर बहुत है यहाँ पर। तो भैया जो शेयरिंग का प्राइस था वो 10 rupees पर पर्सन नहीं, 20 rupees पर पर्सन था, और तीसरे इंसान का वेट करने के लिए टाइम नहीं था, तो 50 rupees टोटल लेके हमको उसने यहाँ तक छोड़ दिया है। तो अब हम आ गए गेटी गैलेक्सी थिएटर में, आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए। और अब जाके हम दो जवान गेटी पहुँच गए, अब हम दो जवान जाके हम देखेंगे जवान को, बने रहिए, बने रहिए। रेडी रेडी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गेटी गैलेक्सी थिएटर में, आप पीछे देख सकते हो पूरा जवान का पोस्टर, और ये पूरी भीड़ है अभी जिसकी एंट्री शुरू होगी। तो मैं तो पूरा देखो आप बारिश में नहा चुका हूँ, अभी एक छाता किसी और आदमी से मुझे मिला है ताकि मैं और ना भीगूँ। तो ये क्रेज़ है, हम सबका क्रेज़ है, शाहरुख खान के फैंस का क्रेज़ है, और हमारे जो मित्र हैं कैमरामैन उनके पास भी छाता है, वो नहीं भीगे हैं लेकिन मैं पूरा भीग चुका हूँ। तो ये डेडिकेशन है भाई शाहरुख खान के लिए, अब सब आप सबके लिए, अपने चैनल के लिए, बने रहिए। आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है यहाँ पे, और खैर आप लोग तो जानते होंगे, इतने टाइम से आप लोग जुड़े हो तो आपको पता होगा गेटी गैलेक्सी में क्या क्या होता है, तो बस बने रहिए, अब आगे शूट करके आपको दिखाता हूँ। तो भैया देखो मैं तो पूरा भीग चुका हूँ, और लेकिन अब क्या तो भीगने के कगार पे था दोस्तों, बट ठीक है यार,
इतना तो बनता है, दोस्त के लिए कैमरामैन भी मुझे बनना पड़ता है। तो भाई भला उस आदमी का जिसने मुझे अपना छाता दे दी और भीगने से बचा लिया, लेकिन अब तो मैं खैर पूरा ही भीग चुका हूँ। होपफुली मैं बीमार ना हूँ अंदर थिएटर में। तो बारिश का मजा है दोस्तों, बारिश के मजे में हम यहाँ पर मूवी देख रहे हैं और आप देख रहे हो पूरी भीड़ है यहाँ पर, प्लस बारिश भी है। शाहरुख खान के लिए कुछ भी खाए, शाहरुख खान के लिए सब कुछ करने को हम तैयार हैं, बस बीमार ना हो। वैसे हो भी जाए तो भी ठीक है, दवा खा लेंगे, ऐसा क्या है। अब अंदर चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और सारी भीड़ अब अंदर जाना शुरू हो चुकी है। तो अब अंदर चलेंगे, अंदर का माहौल आपको दिखाएंगे। हम भी अंदर जाएंगे और आपको अंदर का माहौल दिखाएंगे, हाँ कैसा है गेटी का एनवायरमेंट। होपफुली थोड़ा अपने आपको सुखा भी लेंगे, बस बीमार ना पड़े। बने रहिए और दुआ करते रहिए भगवान से कि अगला वीडियो आने तक वीडियो तो हम बीमार ना पड़े और निकल दोनों। तो बस अभी अंदर चलते हैं और दिखाएंगे आपको। और फोन का वाटरप्रूफ होने का भी मुझे फायदा मिल गया एटलीस्ट। ये फायदा है दोस्तों आईफोन का, आईफोन का ये फायदा है भाई, या फिर कोई भी वाटरप्रूफ फोन का ये फायदा है, सिर्फ आईफोन नहीं। बने रहिए। यहाँ पे ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं भाई, जवान 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 6 बजे का जवान 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 करके। और अब हम अंदर चलते हैं, चलिए देख लो भैया, भीड़ देख लो भैया। भाई वेस्टर्न कैसा लग रहा है इतनी भीड़ में आकर? भाई पैसा वसूल परफॉर्मेंस, फिलहाल तो मैं मूवी देखी भी नहीं है, बट लोगों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है भाई ये तो भाई वर्थ है भाई विराट से याद आने के लिए। विराट से बैंड्रा में ट्रैवल करने भले मेरे को खाली गाड़ी मिली है, लेकिन शाम के वक्त तो भाई धक्के खा के जाने वाला हूँ। लेकिन भाई ये जो लोग हैं ये भाई मैं मिस नहीं करना चाहता, ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिस ही नहीं करना है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भाई। फेस्टिवल का माहौल है भैया, फेस्टिवल का माहौल है, और अभी तो फेस्टिवल शुरू भी नहीं हुआ है, तो वेट करिए। शाहरुख खान के फैन है, वेट करिए, और नहीं हो रहा तो टिकट करके जाके मूवी देख के आ जाइए, फिर देख लीजिएगा ब्लॉग आराम से उसमें क्या है। जरूर देखिएगा दोस्तों मूवी के साथ, थिएटर में जाके मूवी देखिए। बिल्कुल, फिल्म फेस्टिवल है। एक फिल्म फेस्टिवल होता है क्रिटिकल मूवी एक्लेम मूवीज का, और एक ये फिल्म फेस्टिवल है शाहरुख खान का, बादशाह किंग खान का। और अगर आपको मजा आ रहा है ये सब देख के तो टिकट बुक करिए और जाके थिएटर में देखिए ये मूवी, घर पे डाउनलोड मत करिएगा। लो भाई देख लिया आपने, एंट्री चालू हो गई है, स्टे ट्यून, मेरा गला बैठ गया। चलो भाई। तो फाइनली भैया हम लोग पहुंच गए हैं, मैं जोर से बोल रहा हूँ ताकि होपफुली आपको आवाज सुनाई दे जाए। माइक मैंने नहीं लगाया है, माइक में साउंड फट जाएगा इतनी आवाज में। ये भी जरूर आप सुनाई दे रहा है आपको शायद बैकग्राउंड में आवाज, क्योंकि हम बैठ चुके हैं अभी फिलहाल, अभी तो फिलहाल मूवी शुरू भी नहीं हुई है, बस थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट चालू है, बट अभी से आवाज है, अभी कितना आ रहे हैं हमें माइक के अंदर शूट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये लग रहा है ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये रॉयस्टन के फोन के, ये भैया इंडिया का जुगाड़, ये टेक्निक इंडिया से बाहर तो नहीं जानी चाहिए दोस्तों, इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, चेहरा थोड़ा सा दिखता रहे कि भाई पता चले कौन बोल रहा है, वॉइस ओवर ना लगे भाई मेरा। हाँ भाई ये तो मैं बोल रहा हूँ, वॉइस ओवर बिल्कुल लगना चाहिए। देख लो गाइस जुगाड़ करने में हम एक नंबर के एक्सपर्ट है, मेरे गले में जितनी जान है आज मैं शाहरुख खान के लिए निकाल दूंगा। आज तो मैं भी कुछ जोर से बोल रहा हूँ, इतना तो मैं हिंदी कभी जोर से बोलता ही नहीं, पर ठीक है गाइस इतना तो बनता है। ठीक है बने रहिए। स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिए। बाकी रोशन बताएगा।
भाई साहब सस्पेंड को एंड नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मूवी है इसी में टिपिकल एक्शन मूवी नहीं है, स्टार्ट जो शुरुआत हुई है एक्शन से हुई है भाई, ऐसा की क्या एंट्री ली है हर एक पार्ट पे। और एक एक मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मूवी में जो आप पहले बोलते थे कि सिर्फ बॉलीवुड में है, साउथ के एक्ट्रेस को एक्ट्रेस को लिया नहीं है, बट इस मूवी में पूरा कॉम्बो आपको मिक्सर दिखेगा आपको। इसमें साउथ की जो स्टार्स है, जो विजय सेतुपति जी है, इनको जो मेन विलन का रोल दिया है, उसके अलावा जो नयनतारा जी है उनको भी ऐसा एक्ट्रेस का रोल दिया है, उसके अलावा भी हम देखेंगे कि जो जो एक गैप था बीच में बॉलीवुड और साउथ के बीच में, मुझे लग रहा है इस मूवी में शाहरुख खान के द्वारा इतना बड़ा गैप क्लोर किया है। आप जैसे तो आप देखो तो जो डायरेक्टर है एटली वो भी मतलब साउथ के काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, और ये जो और आजकल तो खैर जो भी मूवीज़ बन रही है, स्पेशली जो एक्शन मूवीज बन रही हैं या फिर जो ऐसी मास एंटरटेनमेंट वाली बन रही है, ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि साउथ में भी, तो वो पैन इंडिया मूवीज़ बनती हैं। ये मूवी भी जो है वो हर तरह की लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, हर लैंग्वेज में डब करी गई है बेसिकली। जैसी साउथ की मूवीज भी जो बनती है वो भी हिंदी में डब करी जाती है। तो अब जो आजकल की जो एक्शन मूवीज है, स्पेशली जो मास एंटरटेनर मूवीज है, वो किसी एक इंडस्ट्री के लिए सीमित नहीं है। हालांकि स्टार हमारे बॉलीवुड के हैं, लेकिन जो एक्ट्रेस है वो वहाँ साउथ की फेमस एक्ट्रेस है, बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है, और डायरेक्टर भी खैर इसी तरह की मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। और मैं ये कहूँगा शाहरुख खान का बहुत अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज किया है, वो जो परसोना है, जो लवर बॉय का परसोना है, उसको एक्शन के साथ मिला के जो एक फ्लेवर हम मिस कर रहे थे शाहरुख खान के डॉन मूवी के टाइम से, जो एंटी हीरो विलन जो कहते हैं, विलन तो मैं नहीं कहूँगा एंटी हीरो है, तो एंटी हीरो वाला जो फ्लेवर है विद रोमांटिक एंगल, और अल्टीमेटली विलन कहना तो गैस गलत होगा, बट हाँ शाहरुख खान तो हीरो है, हमारे हीरो रहेंगे। इस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया कि वो एक एंटी हीरो जैसा है, मानता हूँ कि स्टार्टिंग में उनकी थोड़े से ये सीन बताया है, बट जो भी सीन्स हैं उनके वो एकदम हीरोइस्टिक तरीके से बताया गया है। आप जब गाइस ये मूवी देखोगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी इंटरव्यू में चालू है, अभी भी कह रहा हूँ गाइस प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ये मूवी कोई भी नज़दीकी थिएटर में जाके देखिए, आपको ये सस्पेंस और ये जो ट्रेलर है वो मिस करोगे अगर आप घर पर बैठ के देखोगे। और एंटी हीरो से मेरा मतलब है विलन जो होते हैं जनरली कैरेक्टर्स में वो खराब काम करते हैं और उनका मोटिव खराब होता है। एंटी हीरो कभी कभी खराब काम करते हैं लेकिन उनका मोटिव अच्छा होता है, इसलिए ऑडियंस कभी कभी उनके उनको रूट करती है, उनकी तरफ उनका फेवर लेती है। तो बेसिकली वो फ्लेवर जो है ना एक हीरो और एंटी हीरो के बीच की जो फाइन लाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से एटली ने दिखाई है, और शाहरुख खान ने एज यूजुअल बहुत अच्छे से निभाया है। और एक साउथ इंडियन स्टार जो होते हैं अपने जो साउथ इंडियन मूवीज़ के और एक बॉलीवुड अपने शाहरुख खान का जो एक मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से आया। तो हम अंदर जाएंगे, थोड़ा कुछ खाने को देखते हैं, यहाँ पे सस्ता मिलता को ले भी सकते हैं। अब हम अंदर जाएंगे और सेकेंड आप देखेंगे, और मेरा गला पूरा बैठ चुका है, बोला नहीं जा रहा है, वैसे फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जान निकाल के जान निकल गई है, भीग भी चुका हूँ। अब अंदर जाएंगे तो सबसे बोल रहा हूँ और अच्छे से देखेंगे, आपको मूवी के बाद ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे सेकेंड हाफ के बाद, तब तक के लिए बने रहिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड गाइस। सारे रिव्यू भी चल रहे हैं भाई हमारी तरह, और भी लोग हैं जो रिव्यू ले रहे हैं, देखो भाई देखो देखो देखो, क्या बात है। नेक्स्ट शो की भीड़ ऑलरेडी लग गई है। तो भैया मूवी हो गई है ख़त्म और हम लोग आ गए हैं बाहर, मैं तो एकदम मदहोश हो गया था मतलब ऐसी मूवी में, और जो बोलते हैं ना शाहरुख खान के चार्म में और एक एंटी हीरो के साथ साथ एक हीरो की पर्सनालिटी में, मतलब इस तरह का कैरेक्टर और इस तरह का जो शाहरुख खान के कैरेक्टर को जो जिस नया एक अवतार दिया है ना, वो उनके करियर में मैंने पहली बार देखा है सर, क्योंकि डॉन का जो उनका कैरेक्टर था वो मैं कह सकता हूँ क्लोजेस्ट आता है इस टाइप के कैरेक्टर से, लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि इस तरह का कोई कैरेक्टर हो जो उन्होंने किया है, और इस तरह की उन्होंने मूवी भी शायद पहले कभी नहीं करी है। तो एक नया अवतार मिला शाहरुख खान को, तो मैं तो ये कहूँगा, और पूरा पैसा वसूल मैं ये कहूँगा इस मूवी को। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है, ऑब्वियसली नहीं देखी होगी तो पहले ही देना, अगर आपने नहीं देखी है जाइए और देखिए, मैं 100 बार बोल चुका हूँ और फिर से बोलता रहूँगा, और रॉयस्टन से जानते हैं उनका क्या कहना है। सो गाइस अभी जब मैंने ये मूवी देखा है मुझे चीज़ याद आया कि अगर आपको याद हो रहा था कि शाहरुख खान ने एक सोल्जर का प्ले किया था मेहू नाम है, तो बहुत सालों के बाद अब जाके उसको शाहरुख खान को उस आर्मी ऑफिसर के इस रोल में चेक करना,
लाइक मुझे वो चीजें याद आ रही है कि जब स्कूल के टाइम में था मैं तब शाहरुख खान को इस मूवी में देखा था। आर्मी ऑफिसर तो एक छोटा सा पार्ट है इस मूवी में कैरेक्टर का, और बहुत सारे ट्विस्ट और बहुत सारी चीजें जो मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो रिवील करने से आपका मजा और आपका जो बोलते ना एंटिसिपेशन खराब हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ बात सही है, सस्पेंस को तो हम बने रखेंगे। और जैसा आप लोगों को पता रहेगा कि अभी तो बहुत एक मीम वायरल हो रहा था दीपिका पादुकोण को लेके कि सर मैं तो परमानेंट हूँ SRK के जो भी मूवीज रहेगा उसमें मैं तो परमानेंट हूँ। तो हाँ आपके मीम्स को याद रखते हुए हाँ जी तो दीपिका पादुकोण का तो रोल है, बट वो क्या रोल है क्या स्पेसिफिक छोड़ रहे हैं वो हम इसके बारे में कोई रिवील नहीं करेंगे, बट जो भी मीम्स ने इसको वायरल किया है वो बात सच है। तो इस जब मैंने मूवी देखा है तो ये बिल्कुल सच है भाई कि दीपिका पादुकोण है इस मूवी में। मीम वगैरह मैं इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ दीपिका पादुकोण ने भैया अपना करियर ही शाहरुख खान के साथ शुरू किया था पहली मूवी में, और पठान मूवी में भी थी वो शाहरुख खान के साथ मेन रोल में। इसमें गेस्ट अपीयरेंस है लेकिन बहुत एक अलग तरीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक छोटा सा मतलब रोल और हो गया बस, वैसा नहीं है। यूजुअली आप सोचते हो कि इसे छोटा सा एक आइटम सॉन्ग हो गया या छोटा सा मॉम के रोल खेल लिया बस हो गया, ये ऐसा वर्ड नहीं है। ये तो मैं बोलूँ कि 5 मिनट से भी ज़्यादा बड़ा रोल है इनका। और नयनतारा का काम भी काफ़ी अच्छा था, मैंने उनको ज़्यादा देखा नहीं है उनके रोल्स को, लेकिन मुझे उनका काम काफ़ी अच्छा लगा। और विजय सेतुपति तो लेजेंडरी एक्टर है, मतलब उनको तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, मतलब जो मतलब एक्टिंग से वाकिफ रखते हैं या फिर जो अच्छे सिनेमा से वाकिफ रखते हैं या फिर जो साउथ मूवीज देखते हैं वो उनके टैलेंट को अच्छे से बखूबी जानते हैं। मैं निकल के बात से एग्री करता हूँ, अगर आपने लेटेस्ट जो एपिसोड वेब सीरीज देखा रहेगा फर्जी, उसमें जो विजय सेतुपति जी ने एक गुड कॉप का रोल प्ले किया है और इसमें कम्प्लीटली टोटल डिफरेंट रोल, इसमें ये विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो अगर आप ये सोचते हैं कि इसे एक गुड रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं, क्यों ना ड्यूअल रोल प्ले किया है, तो गाइज व्होएवर साउथ इंडियन मूवीज फैंस प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेशन कि आपको कैसा लगा विजय सेतुपति जी का रोल। विलेन का रोल विजय सेतुपति तो कर ही रहे हैं, लेकिन अकेले वो नहीं है जो विलेन का रोल कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा कि भाई और भी बहुत सारे विलेन हो सकते हैं, शायद हीरो भी हो सकते हैं। तो अभी आपको मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं कौन परफेक्ट विलेन है और कौन परफेक्ट हीरो है, उसके लिए आप मूवीज देखिए, क्लिफहैंगर बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फ़ायदा क्या है कि भाई ऐसा हुआ था ये आया वो आया ये नहीं आया, तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आपके लिए है, क्लिफहैंगर है आपके लिए, सस्पेंस मैं भी छोड़ के जाऊंगा जैसे मूवी छोड़ रही है आपको ट्रेलर से। तो जितना आपको एंटिसिपेशन ट्रेलर देख के मज़ा ट्रेलर देख के आया है, उतना ही मैं होप कर रहा हूँ कि मज़ा और एंटिसिपेशन आपको ये रिव्यू या फिर एक ब्लॉग एक तरीके से कैसे इतने देख के आया हो। मेरा गला काफ़ी बैठ गया अंदर चिल्ला चिल्ला के, एक पॉइंट के बाद तो फिर मैंने चिल्लाना ही बंद कर दिया भाई, मैं एक तो इतना खो गया था मूवी के अंदर तो। लेकिन हाँ मज़ा पूरा आया और भरपूर आया और लोगों ने पागलों की तरह एंजॉय किया, और यही तो हम चाहते हैं, इसलिए तो हम गेटी गैलेक्सी आते हैं, वरना मल्टीप्लेक्स में जाके भी देख सकते हैं ना, मल्टीप्लेक्स में देखने का वो मज़ा नहीं है। वो जो शोर शराबा जो मल्टीप्लेक्स में आपको नहीं मिलते वो आपको गेटी गैलेक्सी में मिलती है, स्पेशली वो SRK की मूवी हो या सलमान खान की मूवी हो। हाँ ये बात तो पक्की है, ये बात तो गेटी उसके लिए ही जाने जाती है। हालांकि ये मूवी जो है IMAX में शूट हुई है और IMAX में रिलीज भी हुई है, तो वो अलग मज़ा है। ऑब्वियसली IMAX में अगर कोई डायरेक्टर ने इंटेंट करा है कि मैं बना के हम लोग आपको दिखाएं IMAX का एक एक्सपीरियंस देने का, वो अलग मज़ा है, लेकिन ये अलग फ्लेवर है। यहाँ पे फैंडम्स जो होते हैं, फैंस जो होते हैं, या फिर जो एक स्टारडम सेलिब्रेट होता है एक एक्टर का, एक स्टार का, सुपरस्टार शाहरुख खान या सलमान खान, इन सब का वो अलग फील है, और वो फील के लिए मैं बार बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आता हूँ और आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस रहा मेरा निकर के साथ पहली बार गेटी में, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे याद है जब भी मैं कॉलेज में था सेंट एंड्रूज पे, तो उस टाइम पे हम आया करते थे दोस्तों के साथ, अब इतने सालों के बाद मैं आया हूँ और निकर जी ने मुझे ये मौका दिया है फर्स्ट टाइम, और मैं गेटी उनके साथ आया हूँ, दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस गाइज। इट्स अ रियली हम्बल रिक्वेस्ट, जैसे मैं स्टार्टिंग से भी कह चुका हूँ वीडियो में, आप प्लीज़ आके आपके कोई भी नज़दीकी थिएटर में जाके इस मूवी का एक्सपीरियंस इन्जॉय कीजिएगा, और अगर आपके घर के पास या फिर आपके शहर में अगर कोई सिंगल स्क्रीन थिएटर है तो मैं कहूँगा वहाँ जाके पहले देखिए, तो वो आपको एक नया और एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सालों से शायद आप लोगों ने भी सिंगल स्क्रीन अगर नहीं देखा तो आप उसमें ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो बस आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इन शॉर्ट मैंने तो पागलों की तरह मूवी इन्जॉय करी, पूरा भीगा हुआ था, पूरा सूख गया हूँ, होपफुली बीमार ना पड़ूं, और अगर पड़ भी गए तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, इतना एंजॉय किया जो शाहरुख खान के लिए सब जायज़ है, कोई बात नहीं। बारिश बस हम दोनों के लिए दुआ कीजिए कि हम दोनों बीमार ना पड़े, पर आपके लिए ऐसे ब्लॉग्स बना के लेके आए थे, आते रहेंगे बिल्कुल। और बारिश रुक गई है और मूवी ख़त्म हो गई है, और
मैं थक भी काफ़ी गया हूँ और लेकिन मज़ा पूरा आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, रोशन को भी बहुत मज़ा आया। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है ड्रिल, आप समझदार हैं, आपको सब पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद कर ही देंगे, नहीं आएगा तो नहीं भी करेंगे, कोई भी कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है, पूरी आपकी चॉइस है। और जाते जाते आपसे फिर से मैं ये कहूँगा, आप अगर शाहरुख खान के फ़ैन हैं, बॉलीवुड के फ़ैन हैं, साउथ इंडस्ट्री के फ़ैन हैं, या इन शॉर्ट एक मास एंटरटेनमेंट मूवी के फ़ैन हैं, तो जाके टिकट्स बुक करिए और जाके जवान थिएटर्स में देखिए, घर पे मत देखिएगा। तो बस इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं और मिलूंगा आपसे अगले किसी व्लॉग में या किसी और वीडियो डिस्कशन वीडियो किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। फॉर द डे आई एम निकल साइनिंग आउट, टेक केयर।